संभल के चंदौसी में आशीष गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा उद्यमी सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में आए बीजेपी के सरदना विधायक संगीत सोम ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश को मुगल सल्तनत बना दिया गया, लेकिन अब वो मुगल शासक के आखिरी शासक ही रहेंगे, उनका नंबर अब नहीं आएगा। सरदना विधायक संगीत सोम ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए सभा में भाषण देते हुए कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में जरूर जनता ने सरकार चुनी, लोग कहते थे अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रदेश को मुगल शासन बनाने का काम किया। उनके पिता के बारे में जरूर मुल्ला मुलायम सुना था, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को मुगल सल्तनत बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में कहां हैं गुंडे, गुंडे जेल के अंदर है या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, आज गुंडों की हालत क्या हो गई है। मुख्तार अंसारी, जिसका उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज्य चलता था, महल होटल बना लिए या जमीनों पर कब्जा कर लिया, आज वो सब गुंडे दूसरे स्टेट में पड़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। जिनकी जमीन पर कब्जा किया उनके पास उनकी जमीन जाएगी, ये काम योगी सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में बहन जी का पता नहीं कहां है, अखिलेश यादव के हाथ में कुछ नहीं है, वो ट्विटर खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आखिरी मुगल शासक थे, उनका नंबर नहीं आने वाला। अब उत्तर प्रदेश व देश में बीजेपी 30 से 35 साल राज करेगी। क्या है ये तो मैं आपके कैमरे पर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीट के साथ उत्तर प्रदेश में लौट रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम बनाने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 35 साल उत्तर प्रदेश में चले, इसलिए मजबूत सरकार रहे, शासन रहे, इसलिए 350 सीट आएंगी। रणनीति क्या रहेगी वो तो आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के तीनों बिल पर रोक लगा दी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि ये बिल किसान की तरक्की के लिए है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने कभी भी किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, वो अच्छे मोजे पहन सकें, जूते पहन सकें, कपड़े पहन सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं की। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, किसान का बच्चा अच्छे कपड़े पहने, किसान अच्छे घर में रहे, उसके सर पर छत हो, इसलिए ये बिल लाया गया है। चूँकि बिल से किसान की आमदनी हमेशा जो हमने कहा है कि दुगनी होगी, वो इसी से होगी। किसानों की मौत हुई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आगे नहीं आया इसको, और ना ही सरकार और किसानों के बीच वार्ता सफल हो पाई, तो क्या नहीं देखे, वार्ता हमेशा पॉजिटिव हुई है, और किसान और सरकार के बीच में पॉजिटिव हमेशा वार्ता हुई है, कुछ रास्ते निकले भी हैं। हो सकता है कुछ चीज़ कुछ लोग उसका रास्ता निकालना नहीं चाहते, कुछ किसान के भेष में वहाँ किसान नहीं, वो जिस तरीके के लोग बैठे हैं, मैं क्या कहूँ, क्या आप भी जानते हैं, वो हमेशा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अगर राकेश टिकैत जी की बात करोगे, वो यूपी की तरफ से बैठे हैं, तो पूछिए, और उनकी बाइट आप लोगों ने भी चलाई थी, जिस दिन बिल आया था उन्होंने कहा था कि ये बिल किसान के लिए बहुत अच्छा बिल है, ये तो 30 साल पहले आना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसके कुछ दिन बाद 2-4 महीने बाद क्या हो गया है, बिल कैसे ख़राब हो गया, ये सब राजनीति के कारण हो रहा है। इसमें किसान कोई नहीं है, किसान नहीं, आपका कहना है नहीं, बिल्कुल 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 किसान कोई धरना नहीं दे रहा, कौन है ये लोग, ये किसान विरोधी लोग। दूसरी पार्टी ने बैठा दी हूँ ये लोग, कैसे देखें? नहीं, मैं क्यों कहूँ बैठा दी हूँ, बैठाई रखें, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ ना, बैठा रखें। आगे क्या रणनीति रहेगी, किसान तो लगातार आंदोलित है। देखिए, किसान आंदोलन, मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलित नहीं है, जो किसान है वो तो वहाँ से उठ के आ गए हैं, और जो हमारे सीधे किसान वहाँ कुछ रह गए हैं उनके बीच में, वो भी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आपने भी कहा और किसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो कुछ रह गए, गिने चुने जो रह गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, और ये बिल वापस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें सुधार की कहीं बात हो, किसानों की जो समस्या हो वो सरकार के साथ रखें, उसमें सुधार किया जाएगा, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, वो बदला जाए, लेकिन बिल वापस लिया जाए ये संभव नहीं है। अच्छा सर, वर्ष 2013 में आप चर्चा में रहे पूरे विश्व में, और पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में आपका वो रहा, जानना नाम रहा, इसके पीछे क्या मंशा रही? ये तो अखिलेश यादव से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी पे आपने, के कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे आंसुका क्यों लगाई, उन पे आपने देशद्रोह के मुकदमे क्यों लगाए, उन्होंने दंगा अखिलेश यादव ने कराया, और उनके जो मौलवी बैठे हुए थे उन्होंने दंगा कराया, उनके चाचा आजम खान ने दंगा कराया, वो सब मलाई चाटते रहे और हम जेल रहे, तो मीडिया ने वो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ वो पूरी दुनिया को दिखाया, और उसका रिजल्ट भी मिला। 2014 में उखाड़ फेंका उन सबको, फिर 2019 में उखाड़ फेंका, तो ये उसी का रिजल्ट था।
अच्छा, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है। युवा पढ़ लिख कर अपना रोजगार करें, वो सोचे ना कि हमें नौकरी चाहिए, वो नौकरी देने वाले बने। जैसे अभी आज 24 युवा व्यापारियों को यहाँ सम्मानित किया गया है, वो हजारों लोग युवाओं को रोजगार देने। मैं आगे भी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ लिख कर अपना व्यापार कैसे करें। सरकार बहुत सुविधा दे रही है, सरकार लोन देने का काम कर रही है, सब्सिडी देने का काम कर रही है, बहुत अवसर हैं देश में। युवा पढ़ लिख कर अपना व्यापार करने का काम करें और रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बने। मैं युवाओं को यही कहूँगा। अच्छा सर, एक जानकारी दें, बदलते राजनीतिक परिवेश में जिस तरीके सारी पार्टियां लगभग एक होती जा रही हैं, लगभग, और केवल भाजपा जो एक दूसरे दुश्मन थी वो भी हाथ से हाथ मिला लिया है, भाजपा अलग होती जा रही है? नहीं, भाजपा अलग नहीं होती जा रही, मतलब वो पार्टियां अलग, भाजपा मजबूत होती जा रही है। वे सब कमजोर हैं और हमेशा कमजोर लोग मिला करते हैं, कमजोर लोगों का गठबंधन बन रहा है। वो कोई भी ढाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा, आप चिंता मत करिए। सपा बसपा ढाई का आंकड़ा आपके पार नहीं करेगी। अब के भारतीय जनता पार्टी 350 सीट के साथ आ रही है। हमारे राज्यपाल जी ने कहा है, राज्यपाल आनंदीबेन जी ने, कि पुलिस अपराधियों के गठजोड़ से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? मैं राज्यपाल जी के किसी भी कोई व्यक्तित्व पे उनके टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, वो संवैधानिक पोस्ट है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बेटियों की बात कर रहे हैं लेकिन अपराध तो लगातार हो रहे हैं, अभी वैसी बताई में घटना। देखिए, कोई भी हमारे मन में कोई फर्क नहीं है, अगर कहीं अपराध हुआ है तो हमने उस पर त्वरित कार्रवाई की है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है, दोषियों को जेल भेजा गया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। हमने ये नहीं किया है कि अखलाक के परिवार वाले और अखलाक गाय काटने वाले हैं, हमने हेलीकॉप्टर में बैठकर नहीं बुलाया गाय काटने वालों को। हमने मुजफ्फरनगर दंगे के मौलवियों को हेलीकॉप्टर में, जो दंगे के आरोपी थे उन्हें हेलीकॉप्टर में नहीं बुलाया है। हमने जो दोषी था उसे सजा देने का काम किया है, और अगर शक किसी ने किया तो हमने तुरंत CBI को रेफर करने का काम किया है।